सीखते हैं लोग बैंगन का चोखा और टमाटर का चोखा कैसे बनाएंगे। इसको सबसे पहले आग पे उबाल दिया गया है, वीडियो आपको डाला गया है यूट्यूब पे, देख लीजिएगा सबको। ये तीखी लाल मिर्च है कच्ची वाली, ये हो गया। प्याज फिर तुम काट लेंगे, ठीक है। प्याज से इसको काट लिए, आटा भी हो गया है, गुथा गया है। इसके बाद हम लोग पराठा बनाएंगे सनफ्लावर ऑयल में। लहसुन बचा हुआ है, वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो बताइएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इन लोग को हम लोग मैश करेंगे, ऐसे ही अभी काट रहे हैं। और इसको सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि इसको खोल के देख लेना है, ये तो ठीक है, इसमें बीज जाता है तो बीज वाले पार्ट को हम लोग हटाएंगे। ज़्यादा बीज खाने से आपको तो स्किन में नोचनी टाइप का हो जाता है, इसीलिए इसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इसमें भी ज़्यादा है तो इसको निकाल देंगे सीड को। अब इन सब सारे पिक्चर को इसमें हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो मैश करने में इसमें आसानी होगा, कुछ कुछ लहसुन बाकी है तो इसको हम लोग कट लिया जाएगा, जैसे ये दोनों।
नमक मिटाने का, एक चम्मच। और थोड़ा सा सरसों तेल, इसको अच्छे से मैश करेंगे हाथ से। ऐसा हमको फील हो रहा है कि इसमें टमाटर ज्यादा हो गया है और बैंगन का मात्रा कम है, तो एक बैंगन और अपने पास है। अभी सत्तू बन पराठा बनने में भी टाइम है, उसको क्या करेंगे हम लोग इसमें डाल देंगे। देखिए